हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस लेक्चर में, इस वीडियो में अपन बात करेंगे 12th मैथ्स आरबीएससी एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की। क्या दे रखा है क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3ax y, और अपन को क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx। तो इसके पीछे वाले अपन वीडियो में देखे थे, लेक्चर में देखे थे कि अपन यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है, तो इसका डेरिवेटिव dy/dx फाइंड आउट करने के लिए अपन को क्या करना है, डायरेक्ट इसका नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, उसके बाद में dy/dx के टर्म एक साइड लेके उनमें से dy/dx क्या ले लेंगे कॉमन, और बाकी जो टर्म हैं उनको अपन RHS में ले आएंगे पक्षांतरण से, ट्रांसपोजिशन से, और फिर dy/dx के साथ में जो कॉमन लिया उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में उसको कहाँ ले आएंगे, इधर डिवाइड में, तो अपन को कंप्लीट आंसर फाइंड आउट हो जाएगा dy/dx, और जो dy/dx आया उस आंसर को थोड़ा सा एडजस्टेबल करें तो एडजस्ट भी अपन कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करें आंसर को, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं इसका dy/dx फाइंड आउट करने के लिए, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लेक्चर सेम है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह यूज करोगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी के वर्ड्स, लैंग्वेज स्टेप्स वगैरह यूज करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। हाँ जी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 3x2, कौन से फॉर्मूले से, पावर मेथड से, पावर मेथड है d/dx, x की पावर n का कितना होता है n, x की पावर n माइनस वन, इस फॉर्मूले से अपन ने x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अपन ने 3 पावर आगे आ गई और इसमें से 1 पावर लेस हो गई 3x2, और x का कितना हो गया 1, जो कि लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वाई क्यूब का, y क्यूब में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पावर मेथड अप्लाई करेंगे, तो पावर मेथड से कितना जाएगा इसका 3y2, एक पावर कम हो जाएगी। नेक्स्ट y का करेंगे तो y का कितना होगा dy/dx विद रेस्पेक्ट x, नेक्स्ट इज इक्वल टू 3ax y, 3ax y में 3a क्या है कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, 3a क्या है कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, और नेक्स्ट xy का किससे करेंगे अपन, मल्टीप्लाई मेथड से, तो xy का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई मेथड से देखिए, मल्टीप्लाई रूल क्या है, y इज इक्वल टू यू इन टू वी, अगर फंक्शन दे रखा अपन को तो इसका dy/dx फाइंड आउट करेंगे, यू dv/dx प्लस वी du/dx, तो ये फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई करते हैं, तो देखो x एज इट इज और y का हो गया dy/dx प्लस y एज इट इज और x का हो गया 1, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट अपन ब्रैकेट सोल्व करके dy/dx वाले टर्म एक साइड ले आएंगे, तो इसमें देखो सबसे पहले इसमें 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ 3 कॉमन तो ले लेते हैं अपन, क्या बच गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy/dx और इज इक्वल टू 3a और x dy/dx प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई कितना बचेगा y, नेक्स्ट 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब आगे की स्टेप में अपन ट्रांसपोजिशन यूज कर लेंगे, ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं एक बार a के साथ में और ट्रांसपोजिशन भी कर लेंगे। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy/dx और ये a से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर लाऊंगा इस टर्म को, तो ax dy/dx और इज इक्वल टू ay, इसको उधर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपन को तो बाकी के टर्म तो उधर लेके जाने, सिर्फ dy/dx के एक साइड लाने अपन को, तो dy/dx का ये भी है टर्म और ये भी है, इन दोनों में से dy/dx क्या ले लूंगा कॉमन, टेकिंग द कॉमन ऑफ dy/dx फ्रॉम द दिस टर्म एंड दिस टर्म, इन दोनों टर्म में से मैं dy/dx कॉमन लूंगा, इसमें से dy/dx कॉमन लिया तो क्या बच गया y स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बच गया ax और इज इक्वल टू ay और ट्रांसपोजिशन से x स्क्वायर उधर चला जाएगा तो माइनस x स्क्वायर। अपन को फाइंड आउट क्या करना है dy/dx, तो dy/dx के साथ में ये मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा उधर डिवाइड में, तो फाइनल आंसर के लिए देखो dy/dx डेरिवेटिव ऑफ द y विद रेस्पेक्ट x ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में भाग में चला जाएगा ट्रांसपोजिशन से पक्षांतरण से वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा dy/dx, यही अपन को फाइंड आउट करना था, ठीक है।
तो किस तरीके से करना है, डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएशन करो उसका इम्प्लीसिट फंक्शन का, स्पष्ट फलन का, और dy पॉन dx वाले टर्म एक साइड ले लो और उनमें से dy पॉन dx को मन लेते हुए अपन इसका फाइनल आंसर सोल्व कर देंगे, फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर बी। यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन किस फॉर्म में दे रखा है, पावर फॉर्म में, मतलब यहाँ फंक्शन के ऊपर पावर भी फंक्शन और यहाँ पर भी फंक्शन के ऊपर पावर भी फंक्शन, मतलब एक्स और वाई इम्प्लीसिट हैं बट किस फॉर्म में है, पावर फॉर्म में। तो ऐसे जो आपके फंक्शंस आते हैं लिखे हुए उनका डिफ्रेंशिएशन अपन कैसे करेंगे, लॉग की सहायता से, किसकी हेल्प लेके, लॉग की लघुगुणक की सहायता से अपन सोल्व करेंगे, लॉगरिथम की सहायता से, लॉगरिथम से यूज करके अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट यहाँ सोच रहे हैं कि पावर मेथड अप्लाई कर देंगे, पावर मेथड नहीं लगेगा, पावर मेथड ओनली फॉर ओनली जो पावर होती है वेरिएबल्स के, जो फंक्शंस के, वो कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, रियल नंबर फॉर्म में होनी चाहिए, तब अपन उसका पावर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के स्टेप्स आएंगी, इस तरह से फंक्शन लिखे हुए होंगे उनमें पावर मेथड अप्लाई नहीं होगा, लॉगरिथम की हेल्प लेके अपन उसका लघुगुणक की सहायता से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के और भी कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो किस तरीके से इनका सॉल्यूशन करना है डिफ्रेंशिएशन के लिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप एज्यूम करोगे लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर y, यहाँ पर अकेला टर्म होता तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अकेला टर्म होता है यहाँ पर एक्स y इस तरीके से पावर में और इधर कॉन्स्टेंट होता तो डायरेक्ट अपन दोनों साइड लॉग लेके सोल्व कर सकते थे, लेकिन दो हैं तो अलग अलग मान के करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ मैं लॉग ले लूंगा तो ऐसे तो है नहीं कि लॉग a प्लस लॉग b इस तरीके से प्लस वाली को मैं लॉग की फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकता हूँ, नहीं, प्लस वाली को नहीं, अपन ओनली मल्टीप्लाई और डिवाइड को ही लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके उसको ब्रेक कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं, तो अपन को अलग अलग लेना पड़ेगा। इसको u मान लेता हूँ मैं, एज्यूम करके यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसकी जगह कुछ भी मान लो, लेकिन एक्स वाई तो यहाँ पर है इसलिए यू वी मान लो, या ए बी सी कुछ भी मान सकते हो। सपोज करो मैं यू मानता हूँ, तो लेट यू इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई एंड वी इज इक्वल टू वाई पावर एक्स, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को मानने की जरूरत नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर इनको मैं मान लेता हूँ तो ये क्या बन गया u, और ये आपका v इज इक्वल टू, ये क्या है, कॉन्स्टेंट, ठीक है। इनको एज्यूम करने के बाद में आपका फॉर्म इस तरीके से बन गया फंक्शन का। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ इसका, तो u का कितना हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, प्लस v का कितना हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ए की पावर बी, ए भी कॉन्स्टेंट बी भी कॉन्स्टेंट, तो ओवरऑल ये कॉन्स्टेंट है, तो इसका कितना हो गया जीरो। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप अलग अलग सेपरेट आप यू और वी दोनों को अलग अलग लो और दोनों को अलग अलग सेपरेट आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करके फिर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे, और इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद में उसमें dy पॉन dx के टर्म होंगे, dy पॉन dx के टर्म एक साइड लेके उसी तरीके से इम्प्लीसिट फंक्शन का करते थे, वैसे अपन को dy पॉन dx फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट x फाइंड आउट करना अपन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल u को लेते हैं अपन, तो नाउ u इज इक्वल टू कितना है x की पावर y। किस तरीके से बताया था इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, लॉग की हेल्प लेके, लॉगरिथम की सहायता से, लघुगुणक की सहायता से इसका अपन डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो टेकिंग बोथ साइड लॉग दोनों साइड लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, अंडरस्टूड बात है, यहां पर ध्यान रखना लॉग कौन से बेस में अपन लेंगे, यहां पर कौन से बेस में यूज करेंगे, ई बेस पर लॉग यहाँ पर लेना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए जो लॉग का बेस डिफाइन है वो ई बेस डिफाइन है। तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, इधर लॉग लिया तो कितना हो जाएगा लॉग यू, यहाँ पर बेस बार बार यूज नहीं करूँगा मैं, नेक्स्ट लॉग एक्स की पावर वाई। ध्यान दें यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि लॉग के आगे यहाँ पर कोई आपका फंक्शन वगैरह या कोई वैल्यू लिखी है उसके ऊपर जो पावर है वो पावर कहाँ जाती है, आगे मल्टीप्लाई में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा लॉग यू इज इक्वल टू वाई आ गया जाएगा और लॉग एक्स, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई वो साइड में लिख दोगे, इधर लॉग एक्स की पावर एन है तो इसको क्या लिख दूंगा एन लॉग एक्स, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे यहाँ पर, ठीक है।
अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना अपन को एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अब और इसमें क्या इजी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट अपन को डिफ्रेंसिएशन करना ही पड़ेगा इसका। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लॉग यू का कितना हो जाएगा, वन अपॉन यू, लॉग यू का कितना होता है वन अपॉन यू, और यू का अभी तो लॉग का किया वन अपॉन यू, यू का और करोगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखो दो फंक्शन है, कौन कौन, वाई और लॉग, दोनों फंक्शन किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई फॉर्म में मल्टीप्लाई रूल अप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई रूल क्या है, y इज इक्वल टू यू इन टू वी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी और डी यू अपॉन डी एक्स, ये रूल यहाँ पर आप यूज करोगे। तो देखो y को मैं एज इट इज रखता हूँ, और log x का कितना हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन x प्लस x का कितना हो गया वन, y एज इट इज log x का वन अपॉन x और x का कितना हो गया वन, जो लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट लॉग एक्स एज इट इज और वाई का कितना हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब अपन को यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में देखो किसका वैल्यू फाइंड करना था, डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करना था। तो यहां से अपन डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यू इधर अपॉन में आता उधर जाके ट्रांसपोजिशन से कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो नेक्स्ट आगे की स्टेप देखिए, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू इधर अपॉन में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और आपका ये वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये ऑलरेडी पहले से है ही आपके पास। यहाँ पर यू का वैल्यू पुट कर सकते हो वापस, क्योंकि अपन को डी यू अपॉन डी एक्स पूरा एक्स वाई की फॉर्म में फाइंड आउट करना है, तो यू का वापस वैल्यू पुट कर सकते हो कितना एक्स की पावर वाई, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई, और यहाँ वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स ब्रेकेट क्लोज। यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप और यूज कर सकते हो आप, एक्स की पावर वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो एक्स की पावर वाई को अंदर मल्टीप्लाई, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई को यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो देखो वाई मल्टीप्लाई एक्स की पावर वाई माइनस वन। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा कैसे आया ये, देखो x की पावर y मल्टीप्लाई वाई, ठीक है, लेकिन ये माइनस वन पावर कहाँ से आई, नीचे देखो यहाँ x की पावर वन अपॉन में, तो ऊपर जाके ये माइनस वन होगी और बेस सेम होते हैं पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर कंप्लीट कितनी आ गई y माइनस वन, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखो मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x की पावर y और log x डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से अब कंप्लीट स्टेप बहुत है यहाँ तक, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट ये यूज कर रहे थे अपन, ये इक्वेशन सेकेंड। अब नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, एंड अब किसको लेंगे, पहले यू को ले लिए, और अब किसको लेंगे, अब लेंगे अपन एंड अब अपन लेंगे वी को, किसको वी को, तो वी इज इक्वल टू वाई पावर एक्स, अब अपन वी इज इक्वल टू वाई की पावर एक्स मतलब वी वाले यहां पर फंक्शन को लेंगे, और उसका अपन को डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहां पर भी दोनों तरफ लॉग लेने पर टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉगरिथम लॉग, दोनों साइड लॉग लोगे इसमें भी, हिंदी मीडियम वाले यहां हिंदी में लिख देंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ध्यान देना कुछ स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं यहां दोनों तरफ लॉग अक्ष लेने पर, लॉग अक्ष नहीं लॉग ही लेना अपन को, यहां पर अक्ष की जगह तो ये लिखे हुए हैं, यहां पर लॉग अक्ष नहीं लिखना, लॉग लेने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ लॉग लोगे, तो लॉग बेस कौन सा ई आपको अंडरस्टूड है, पहले बता दिया लॉग वी इज इक्वल टू लॉग वाई पावर एक्स, यहां लॉग की वो प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहां पर एक्स कहां जाएगा आगे मल्टीप्लाई में, आगे की स्टेप देखिए, नेक्स्ट लॉग वी इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई, ठीक है, ये सिंप्लीफाई हो गया यहां तक। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे यहां पर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो लॉग वी का कितना हो जाएगा वन अपॉन वी, और वी का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर दो फंक्शन है कौन कौन, एक तो एक्स और एक लॉग वाई, दोनों में कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, यहां पर कौन सा रूल फॉलो करेंगे,
मल्टीप्लाई रूल। मल्टीप्लाई रूल में देखो इधर लिखा हुआ है साइड में x एज इट इज log y का कितना हो जाएगा 1/y और y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy/dx प्लस log y एज इट इज और x का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर अपन को dv/dx फाइंड करना, तो dv/dx फाइंड करने के लिए देखो यहाँ 1/v मतलब v इधर डिवाइड में तो उधर जाके कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में बाय ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण से, तो dv/dx इज इक्वल टू वी ब्रेकिट एक्स अपॉन वाई और dy/dx प्लस log y और 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई दिक्कत नहीं log y रहेगा ब्रेकिट क्लोज। जैसे मैंने du/dx में यहाँ पर u का वैल्यू पुट कर दिया था एज इट इज, इसमें v का वैल्यू पुट कर दो कितना है y की पावर x, तो dv/dx इज इक्वल टू y की पावर x ब्रेकिट एक्स अपॉन वाई dy/dx प्लस log y ब्रेकिट क्लोज। अब यहाँ पर देखो y की पावर x है, जैसे इसमें मैंने x की पावर y को अंदर मल्टीप्लाई किया था सेम एज इट इज इसमें भी अपन को y की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा dv/dx इज इक्वल टू y की पावर x को मल्टीप्लाई किया तो अंदर ध्यान से देखिए x y की पावर x सर यहाँ y की पावर 1 है ये ऊपर चली जाएगी तो y की पावर कितनी हो जाएगी -1 और टोटल y की पावर कितनी होगी x-y, बेस सेम होते हैं पावर ऐड होती है आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती है उस हिसाब से। नेक्स्ट dy/dx मल्टीप्लाई में है ही नेक्स्ट y की पावर x मल्टीप्लाई log y, इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन थर्ड क्योंकि ये इक्वेशन सेकंड ये इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब देखिए आप du/dx का वैल्यू भी आ गया है dv/dx का वैल्यू भी आ गया और स्टार्टिंग में मैंने यही बात बोली थी इक्वेशन फर्स्ट में कि du/dx और dv/dx का अलग से सेपरेट आप वैल्यू फाइंड आउट करके आप इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पुट कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, dy/dx का तो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों इक्वेशन की बात करें तो तीनों इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट में पुट द वैल्यू ऑफ du/dx एंड dv/dx तो तीनों से इक्वेशन से देखो du/dx का फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो यहां पर देखो du/dx का वैल्यू है y x की पावर y माइनस 1, ध्यान देना du/dx का यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो डायरेक्ट मैं वो वैल्यू यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ तो उस तरीके से du/dx का वैल्यू पहले यूज करूंगा, तो y x की पावर y माइनस 1 प्लस x की पावर y log x मल्टीप्लाई dy/dx। ठीक है, नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट किसका वैल्यू रखना है dv/dx का, तो dv/dx का ये रहा यहाँ पर वैल्यू कितना है x y की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई dy/dx प्लस y पावर x log y। ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है आपका 0, उधर इज इक्वल टू में क्या है 0। अब अपन को dy/dx वाले टर्म इधर रख लेने बाकी उधर ले जाने और उनमें से dy/dx क्या लेना है कॉमन, तो dy/dx के टर्म कौन कौन से, एक तो ये रहा और एक ये रहा, इन दोनों में से dy/dx कॉमन ले लेता हूँ टेकिंग द कॉमन ऑफ dy/dx, तो यहां से कितना बच गया x की पावर y log x और यहाँ कितना बच गया प्लस x की पावर x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और बाकी टर्म मैं उनको RHS में लेके जाऊंगा ट्रांसपोजिशन से पक्षांतरण से, तो ये माइनस y x की पावर y माइनस 1 एंड नेक्स्ट टर्म है dy/dx के अलावा ये बचा हुआ y की पावर x log y। थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर मैं अगर ब्रैकेट लगा देता हूँ तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर माइनस कॉमन लेना हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब अपन को dy/dx फाइंड आउट करना, तो ये पूरा dy/dx इधर इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा ट्रांसपोजिशन से डिवाइड में, तो dy/dx इज इक्वल टू अपन को फाइनल आंसर फाइंड आउट हो जाएगा माइनस y x की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x, ये यहाँ पर नोट कर रहा हूँ मैं log x और अपॉन ये यहाँ अपॉन में लेके आओगे तो x की पावर y log x प्लस x और y की पावर x माइनस 1 ये अपॉन में यहाँ आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट आंसर आ गया इसका dy/dx इस फंक्शन का, तो एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ एक मिनट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट था ये फंक्शन लिखा हुआ था, आपको बता दूँ यहाँ पर एक ही होता
ये टर्म, तब आप दोनों साइड लॉग लेके डायरेक्ट इसको कर सकते थे, लेकिन दो टर्म या मोर देन टू आ जाए, मतलब दो से ज़्यादा आ जाए, तब आप उनको अलग अलग सेपरेट U, V, W इस तरह से अज्यूम करके, आपको मान करके, फिर अलग अलग सेपरेट सबका अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट करके फिर अपन इक्वेशन में पुट करना है, और फिर उससे dy / dx फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें कैसे किया मैंने, इसको U ले लिया, इसको V ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, U प्लस V इजिकल टू a की पावर b, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो du / dx + dv / dx इजिकल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। फिर यहाँ अलग से यू को ले लिया, यू का दोनों मतलब यू इज गुड एक्स की पावर वाई दोनों साइड लॉग लेके, और फिर लॉग की प्रॉपर्टी वगैरह यूज करके डिफ्रेंशिएशन कर लिया एक्स के रेस्पेक्ट में, और डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर लिया, यू का वापस वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर डी यू अपॉन डी एक्स वाले को इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। नेक्स्ट वी को लिया, और इसका भी दोनों साइड लॉग लेके लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके डिफ्रेंशिएशन कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में, और डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड कर लिया। डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पर जो dv upon dx फाइंड आउट किया वो, और du upon dx फाइंड आउट किया वो, दोनों पुट कर देंगे अपन ने जो स्टार्टिंग में इक्वेशन फर्स्ट आई थी du upon dx और dv upon dx की फॉर्म में, उसमें पुट करके आप लोग यहाँ पर dy upon dx फाइंड आउट करना था। मेन टारगेट अपन क्वेश्चन का क्या था, dy upon dx फाइंड आउट करना, क्या था इसका, dy upon dx फाइंड आउट करना था अपन को, डेरिवेटिव ऑफ द y विद रेस्पेक्ट x ये फाइंड आउट करना था अपन को। फिर अपन dy upon dx वाले टर्म होंगे उनको LHS में रख लेंगे, बाकी को RHS में ले जाएंगे। LHS में dy upon dx वाले टर्म में से dy upon dx से कॉमन लेके, और फिर ट्रांसपोजिशन से कॉमन लेने के बाद में वो मल्टीप्लाई में रहेगा, उसको कहाँ लेके चले जाएंगे, डिवाइड में, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको अपन अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है, जिसको स्टूडेंट से वापस आके बोर्ड एग्जाम देके वापस आके जब मिलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि सर वो यू वी वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें यू वी अलग अलग ऐसे सेपरेट अज्यूम करके फिर करना पड़ता है इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की, उसमें भी इसी तरीके का लॉग लेके करना है अपन को, ठीक है ना, उसमें भी एक्स की पावर वाई, वाई की पावर एक्स इस तरीके से दिया हुआ होगा। एक मिनट, यहाँ पर देखिए ये लॉग एक्स है, मैंने यहाँ मिस्टेक से लॉग एक्स लिख दिया, लॉग वाई आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, लॉग वाई, तो ध्यान दे लें इसमें से, थोड़ा लास्ट में आंसर में मिसप्रिंटिंग हो गई, यहाँ पर लॉग वाई आएगा, मैंने लॉग एक्स लिख दिया था, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए, इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।